प्यारे साथी, प्रेडा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू सब बहुत बढ़िया होंगे। आ जाओ प्यारे साथी, रीजनिंग का सेशन हम लेकर आ चुके हैं। बड़े प्यार से समझना, देखो दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखो पहले इन चारों विकल्पों को हम समझते हैं। ये पुस्तक है, ये टायर है, ये कंगन है, ये कंपोक्ट डिस्क है। ठीक है, तो देखो टायर भी गोल होता है, डिस्क भी गोल होती है, कंगन भी गोल होता है और पुस्तक आयताकार होती है साथ। तो आपका ए विकल्प राइट चला जाएगा प्यारे साथियों, क्योंकि ये पुस्तक है। ध्यान देना, किसी कोड में प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस की जगह पर आप गुणा लिख लो साथियों। माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहां प्लस लिख लो। ठीक है ना, गुणा का अर्थ है भाग, तो देखो गुणा का चिन्ह है नहीं इसमें, और भाग का अर्थ है माइनस, तो यहां माइनस लगा दो साथियों। ठीक है, अब इसे बड़े प्यार से इसे सॉल्यूशन कर लो। ये 56 माइनस 1 गुणा 12 प्लस 72। ठीक है, अब देखो बोर्ड मास के रूल में डिवाइड है नहीं है, मल्टीपल है, तो 12 अट्ठे 96, 96 प्लस 72। ठीक है ना, अब देखो प्लस वाले पहले ऐड कर लो, 72 और 56 आपके 8 और 75 आपके 12, ये आपके माइनस के हैं, तो माइनस के आप इसमें से हटा दो, 8 6 2 3। ठीक है, 32 ए विकल्प आपका आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो 103 किसी निश्चित कूट भाषा में कॉटन को, ठीक है, टेक्नोनॉट लिखा जाता है, उसी प्रकार इसे क्या लिखे, तो ध्यान देना। ठीक है, कॉटन COTON, ऐसे लेटर की सिर्फ आप लेटर लिख लो, TOCNOT। देखना ध्यान से, आपके सी 3 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, एन 14 नंबर पर। साथी ऐसे इसे लिख लो, टी 20 ओ 15, ठीक है ना, और सी आपकी 3 एन 14, ठीक है, ओ 15 और टी 20। तो देखना क्या हो रहा है, देखो ये जो ये ध्यान देखना कि ये टी यहां और सी यहां, ओ यहां, ठीक है ना, देखो एन यहां लेटर की चेंजमेंट हो रहे हैं और टी या ओ या, तो बड़े प्यार से समझना ऐसी से। ठीक है, तो टी एच ओ यू जी एच टी एस, अब देखना ये यहां आ जाएगा आपका, ये यहां आ जाएगा एच यहां, तो ओ एच टी, देख लो ओ एच टी कहां है आपकी, तो आपकी पहले विकल्प में ओ एच टी लगा दो। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझेंगे साथियों। ठीक है, ठीक है, देखो टी कॉमा एस कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू चार बैग है जिनमें प्रत्येक का वजन अलग अलग है, बैग टी केवल बैग एस से हल्का है, तो देखो एस एस जो है, ठीक है, बैग टी केवल बैग एस से हल्का है, तो एस बैग भारी है और टी बैग हल्का है, ऐसे ही अगला बैग वी और बैग डब्ल्यू से हल्का है, देखो बैग डब्ल्यू से वी बैग डब्ल्यू से हल्का है, तो डब्ल्यू से हल्का है वी। ठीक है साथियों, आगे देखना, और बैग डब्ल्यू बैग टी से हल्का है, तो बैग जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू बैग है वो टी से हल्का है,
तो टी से हल्का एटम, ठीक है साथियों। अब इस इक्वेशन को बड़े प्यार से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एस टी, अब देखो टी यहां टी आ जाएगा आपका, ठीक है। तीनों इक्वेशन को एस, ठीक है, एस ग्रेटर देन टी, डब्ल्यू ग्रेटर देन वी, टी ग्रेटर देन डब्ल्यू, तीनों समीकरणों को आप संयुक्त कर लो। तो देखो यहां इसको जोड़ेंगे इसमें, तो एस ग्रेटर देन टी, ठीक है, ग्रेटर देन डब्ल्यू, ऐसे ही इसे जोड़ेंगे तो डब्ल्यू बड़ा है बी छोटा है, ध्यान देना। तो चारों बैगों में से कौन सा सबसे हल्का है, तो आपका वी बैग सबसे हल्का है साथियों, ठीक है, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना प्यारे साथियों, आप इसी तरीका से आप मेहनत करते रहे, ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो W 23, P 16, J 10, E 5, A 1, तो ध्यान देना साथियों, ये आपके 6 नंबर घट रहे हैं, यहां भी 6 नंबर घटे, ठीक है, या 6, अब देखना या 4 नंबर घटे, 4, ठीक है। देखो ध्यान देना कि W 23, P 16, J 10, E 5, A 1, ठीक है ना, तो ध्यान देना। तो देखो इसमें इसमें कितने का अंतर आपका 7 का है, कितने का अंतर है 7 का, 7 का। अब देखो इसमें कितने का अंतर आपका, ठीक है, 6 माइनस, इसमें देखो आप 5 माइनस, तो इसमें देखो 4 माइनस, तो इसमें देखो 3 माइनस, तो आप 3 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आप सबका योग 27 होना चाहिए, तो ये x आ जाएगा सर, ठीक है। देखो लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है साथियों, ध्यान देना। एक शॉर्ट ट्रिक है, बड़ी मजेदार ट्रिक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है साथियों, तो लिख लो यहां से ऐसे करके आपको घुमाना है, ठीक है, फिर आपकी ट्रिक बन जाए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जैसे जैसे आपने सवाल कहे उसी अनुसार करते जाओ। लक्ष्मण ने अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यही आप खड़े रहो पश्चिम, फिर वह बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर गए, देखो पश्चिम का जो बाएं हो जाएगा, ठीक है, वो साउथ होगा, पश्चिम का बाएं इधर, ठीक है, और पश्चिम का दाएं उधर, ठीक है, तो बाएं साउथ, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर साथ, पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चले, पूर्व में 25 किलोमीटर चल गए साथियों, ठीक है ना, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। अब देखो पूर्व का बाएं, ठीक है, नॉर्थ होगा 20 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो अपोजिट साइड घटेंगी या कटेंगी, नॉर्थ साउथ घटेगा या कटेगा, ऐसे ईस्ट वेस्ट घटेगा या घटेगा, तो नॉर्थ से साउथ कट गया, किनके सबसे ज्यादा है, ये 25 है, ये 15 है, तो इसमें से कटेंगे या घटेंगे, तो ईस्ट और वेस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा है, 10 किसके हैं, ईस्ट के साथ, तो लगा दो 10 ईस्ट, ठीक है, 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगला भी, ठीक है, उसे बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इस सीरीज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना, ठीक है, कहां जा रहे हो, समान जोड़ी का पता लगा, देखो छात्र प्राप्तांक है, ठीक है, तो शिक्षक कच्चा, ठीक है, कलम लिख, ठीक है, देखो बैटर को टिप मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, सीम कर, नीचे दी गई श्रृंखला खाली स्थान,
पर कौन सी संख्या आएगी? तो बड़े प्यार से समझा, एक का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू, चार का क्यू, पांच का क्यू, तो छह का क्यू आ जाएगा साथियों, 216 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प राइट हो जाएगा। ऐसे ही ये आकृति देखनी है, कौन किस आकृति में ये आकृति समाहित है साथियों, तो इसमें ठीक है बी विकल्प में ये आकृति समाहित है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन अगला भी, ठीक है उसे बड़े प्यार से समझना। 110वां क्वेश्चन, ठीक है देखना, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। तो देखो 484 ये वर्ग है, ये कोई किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये बिल्कुल अलग है साथियों, ठीक है ना। अब देखना अगला प्यारा सा क्वेश्चन है अगला भी, देखो ये दोनों पार्ट, ठीक है ये दोनों पार्ट इस आकृति में ऊपर की तरफ पहुंचा दिए गए हैं, इसमें इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध क्या होगा? ये दोनों पार्ट, ये कलर पार्टिंग, ठीक है ये ऊपर पहुंचा दिया है, तो आप कलर पार्टिंग ऊपर पहुंचा दिए साथियों, और नीचे कौन सा आ जाएगा? खाली रिक्त आ जाएगा, तो ये विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन, ठीक है 112 क्वेश्चन। देखो रमन का कोड ये दिया है, दिनेश का कोड ये दिया है, तो हमन का कोड पूछा है। ठीक है साथियों, जैसे जैसे आपको ठीक है अंकिंग कोड दिए हैं उसी अनुसार उनको पुट कर दीजिए। देखो एच का कोड, देखो यहां देखना एच का कोड आपका 9 है, ठीक है ए का कोड आपका 2 है, ठीक है एम का कोड आपको दिया है, एम का कोड ये आपको दिया है, ठीक है 3, तो एम का कोड 3 है, तो 923 इसी में बी विकल्प में और किसी में नहीं है साथियों, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब देखना दिया गया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है 113वां क्वेश्चन। देखो ए कॉमा बी की मान, देखो बी की मान, देखो बी की मां, ठीक है अब ये मां ए, ठीक है मां, ठीक ध्यान देना, देखो बी की मां ए, और देखो सी ए का इकलौता पुत्र है, देखो ए का इकलौता पुत्र कौन है? सी, तो ये इकलौता पुत्र है, ठीक है तो ध्यान देना। आगे डी ई का भाई है, अब देखो इसमें कहीं किसी के यहां कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो इसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। अब देखो ई कॉमा बी की पुत्री है, अब देखो बी की पुत्री कौन है? बी की पुत्री ई है, ठीक है ई ये पुत्री है साथियों, ठीक है अब देखना ध्यान देना। अब यहां से तुम्हें एक, ठीक है अब देखना डी ई का भाई है, अब देखो ई का भाई कौन है? डी, ई का भाई आपका डी है, ठीक है ये ई का भाई है, ठीक है साथियों। अब देखना ध्यान से, तो डी की नानी कौन है? देखना, ठीक है देखो ये पुत्री है, ठीक है इसकी, और ये इसके बेटे हैं, तो डी की नानी फिर कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है तो ए। यहां विकल्प देखना, इसके विकल्प जस्ट ए यहां कहीं होगा, ठीक है ठीक है ये लिखा है, ठीक देखो ये। अब देखना अगला क्वेश्चन, निम्न आकृति में भिन्न आकृति चयन करें। तो देखना ये तीर अपोजिट हैं दोनों, तीर ये भी तीर अपोजिट हैं दोनों, ये भी तीर अपोजिट है सर, तो ये तीर एक जैसे है, एक ही तरफ है, ये आकृति भिन्न हो जाएगी आपकी टी, ठीक है ना। अब देखना, ठीक है निम्न आकृति में कितनी सरल रेखा है? तो देखना ध्यान से, आप सरल रेखाएं गिनेंगे, तो सरल रेखाएं गिनना, पहले आप क्षैतिज लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है फिर हॉरिजेंटल लाइन साथियों। तो देखना ये एक क्षैतिज लाइन ये रही आपकी, ठीक है एक ये रही आपकी क्षैतिज लाइन, एक ये रही आपकी क्षैतिज लाइन, तीन लाइन क्षैतिज हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये आपकी, ठीक है ये तिरछी लाइन गिन लो, एक तिरछी, दो तिरछी, तीन। अब क्षैतिज लाइन गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है 4, ठीक है साथियों। अब ध्यान देना, ठीक है अब ये 4, ये भी आपकी क्षैतिज लाइन में, ठीक है एक लाइन, ठीक
अब देखना ये, देखना ये एक दो तीन, तो तीन और चार सात, एक आठ और तीन कितना हो गया साथी ग्यारह। बी विकल्प राइट हो जाएगा साथी, ठीक है ना, बी विकल्प राइट हो जाएगा, ठीक है ग्यारह हो जाएगा। ऐसे अगला एक सौ सोलह में क्वेश्चन, ठीक है इस सीरीज का सबसे शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो ये साइड ऊपर की तरफ है तो ये साइड आपको, और ये एक और बात है, ठीक है ये साइड ऊपर की तरफ ऐसे करके आएगी तो देखना, ठीक है ये आप सभी में दे रहा तो ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये साइड ऐसे करके, ये तो ये ऐसे करके, ठीक है उस साइड होनी चाहिए, उस साइड की तरफ, ठीक है तो देखना ध्यान से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा या फिट बिल्कुल आ जाए साथ, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन 117वां क्वेश्चन, देखो गुणनफल को गुणा कहते हैं, ठीक है ऐसे योग को क्या कहेंगे, जोड़ कहेंगे, डी विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखो 118वां क्वेश्चन, 118वां क्वेश्चन, 118वां क्वेश्चन ध्यान देना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो 118वां क्वेश्चन, ठीक है दी गई दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। तो देखो पास वाली आकृति पास, दूर वाली आकृति दूर, तो ये कोना जस्ट पास बनेगा साथियों, तो इसमें भी ये कोना बन रहा है इसमें भी, तो ये दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। और दूर दूर वाली आकृति आपकी दूर बनेगी, ठीक है यही दूर बन रही है, इसमें पास बनेगी, ये गलत, तो ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा साथी, ठीक है। आप देखना 119वां क्वेश्चन, ठीक है साथियों, ठीक है रसगुल्ले हो, 119वां क्वेश्चन, ठीक है ध्यान दो, समझ ना 119वां क्वेश्चन, किसी कोण भाषा में प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस की अब आप साथियों गुणा कर दो, ठीक है ना, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो इसकी जगह प्लस लगा दो, ठीक है ना, अब गुणा का अर्थ है भाग, तो इसकी जगह भाग लगा दो, ठीक साथियों चिन्ह सेट हो गए आपके, तो 234 डिवाइड 9 एड 12 मल्टीपल 4, ठीक है ना साथियों, 9 का इसमें डिवाइड लगा दो, ठीक है 9 दुनी 18 है, ठीक है 9 दुनी 18 है, ठीक है कितना बचा कह रही है आपकी 5, ठीक है 9 चिन्ह 54, ठीक है प्लस, ठीक है या आप मल्टीपल कर लो अभी कर लो, ठीक है 12 6 48, ठीक है या आप जोड़ लो, ठीक है 12 1 कैरी 70, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ठीक है 6 1 7, देखो 234, ठीक है डिवाइड 9, ठीक है प्लस 12 गुणा 4, तो ध्यान देना, ठीक है 9 दुनी 18, 9 6 54, ठीक है साथियों और 12 6 48, ठीक है इसे हम जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा 74। अगला क्वेश्चन है 120वां, ठीक है साथियों अब देखना है, एक कार दक्षिण में 17 किलोमीटर तक यात्रा करती है, तो ध्यान देना भाई नॉर्थ आपकी ट्रिक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है साउथ, ठीक है वेस्ट, एक कार दक्षिण में 17 किलोमीटर, तो दक्षिण में 17 किलोमीटर साथियों, ठीक है फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व की ओर 11 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है 9 किलोमीटर, उत्तर उत्तर की ओर 9 किलोमीटर साथियों, ठीक है ना मुड़ जाती है, तो आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है तो देखो 17 किलोमीटर आपकी दक्षिण में, पूरब में आपकी 11 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर उत्तर की ओर 9 किलोमीटर मुड़ जाती है, फिर अपने बाई ओर मुड़ जाती है, उत्तर में 9 किलोमीटर से बाई ओर मुड़ जाती है, तो ये पश्चिम आ जाए 11 किलोमीटर, ठीक है ना साथियों। अब देखो अपोजिट साइड कटेंगी या घटेंगी, तो ईस्ट से वेस्ट कट गया साथियों, ठीक है अब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ कटेंगे या घटेंगे अपोजिट साइड, तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा 7, किनके 7 ज्यादा, साउथ के,
ठीक है, तो साउथ के 7 जाएगा, सॉरी ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है साथियों 8, इतना तो आप जानते हो, ठीक है ना, ए विकल्प, ठीक है। और कौन सी साइड बच रही है आपकी, ठीक है रुक जाओ साथियों, ये 9 है, ये 17 है, ये नॉर्थ के 9, ये साउथ के 17, तो 9 और 17 में से घटे तो किनके जाना है, साउथ के जाना है साथियों, साउथ लगाना, देख लो कितने खतरनाक विकल्प आपको बनाए साथियों, ठीक है। अब देखना 121वां क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है 64 का आप वर्गमूल लोगे, ठीक है 8 आ जाएगा, ऐसे 0.01 का वर्गमूल लोगे तो बड़ा प्यार से करना 0.0 या पॉइंट हटा देना 100, तो 1 का वर्गमूल 1, 100 का वर्गमूल लेंगे 10, तो इसका भाग लगा दें 0.1, ठीक है ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना साथियों, ठीक है। 122वां क्वेश्चन, सभी होमवर्क के लिए नोट कर लें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें साथियों, जिससे हमें मालूम पड़े आपकी तैयारी कैसी चल रही है साथियों, ठीक है। अब देखना ठीक है 123वां क्वेश्चन, देखो बी का कोड आपको 2 दिया, सी का 3 दिया है, नंबर कोडिंग दे दिए, तो के 11 पे आ जाएगा, एम कितने पे हो जाएगा 13, ठीक है क्यू कितना हो जाएगा 17, तो 11 13 17 11 13 17 आपका सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द से संबंध नहीं रखता, ध्यान देना, बैठना और खड़ा रहना, ठीक है और सोना, बात एक ही है, तीनों शब्दों को रोना अलग हो जाएगा क्योंकि आंसू टपके, ठीक है साथियों। कौन सा वैन आरेख दिए गए शब्दों के संबंध में सही ढंग दर्शन, देखो फूल फल का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग है, पत्तियां भी बिल्कुल अलग है, तीनों गोले अलग हो जाएंगे, ये विकल्प राइट, ठीक है साथियों। आप सभी को नमस्कार, अब आने वाले